हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं ब्रिजराज, कंप्यूटर टीचर। आज हम MS Word की 10 मैजिकल शॉर्टकट कीज पढ़ेंगे। इस सेशन में हम जो कीज पढ़ेंगे वो कुछ इस तरह हैं। नंबर वन है स्पेल चेक कमांड, कि अगर हम कीबोर्ड की हेल्प से स्पेलिंग्स चेक करना चाहते हैं तो कौन सा शॉर्टकट यूज करेंगे। देन अंडरलाइन वर्ड्स नॉट स्पेसेस, मींस कि जब हम अंडरलाइन कमांड चलाते हैं तो क्या होता है कि वर्ड्स भी अंडरलाइन हो जाते हैं और स्पेसेस भी। लेकिन आज मैं जो आपको शॉर्टकट की करवाऊंगा उसमें सिर्फ वर्ड्स अंडरलाइन होंगे, स्पेसेस को अंडरलाइन नहीं करेगा। नेक्स्ट थर्ड मैं कमांड कराऊंगा गो टू कमांड यूजिंग फंक्शन की। नेक्स्ट फोर्थ कमांड करवाऊंगा स्मॉल कैप्स यूजिंग कीबोर्ड, अगर स्मॉल कैप्स केस करेक्टर्स के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ वो कैसे करेंगे। फिफ्थ कमांड करेंगे हम इंसर्ट करंट डेट। सिक्स कमांड इंसर्ट करंट टाइम, कि अगर हम डेट और टाइम डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहते हैं कीबोर्ड की हेल्प से तो कैसे करेंगे। सेवन्थ कमांड कराऊंगा इंसर्ट न्यू पेज, ये अगर हम डॉक्यूमेंट में मैनुअली एक नया पेज या पेज ब्रेक इंसर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। नेक्स्ट एक्टिवेट टैब्स और मेन्यूज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड है कि अगर आप कोई मेन्यू या टैब को ओपन करना चाहते हो तो आपको माउस का यूज़ करना पड़ता है। लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आप कीबोर्ड की हेल्प से किसी मेन्यू या टैब को ओपन करना है तो कैसे करोगे। नेक्स्ट नाइन्थ कमांड कराऊंगा मेक कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट यूजिंग सेव एज, कि सेव एज कमांड को कीबोर्ड की हेल्प से कैसे यूज करेंगे। और टेंथ और लास्ट कमांड आज हम करेंगे इंसर्ट सिंबल्स, कीबोर्ड की हेल्प से सिंबल्स को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। हमारी आज की ट्रिक वन है स्पेल चेक। स्पेल चेक का मतलब कि अगर आपने एमएस वर्ड में कुछ टाइप किया है तो अगर कोई स्पेलिंग हमारे से गलत टाइप हो गए हैं, अगर हम उनको हम ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास स्पेल चेक कमांड है। जो स्पेल चेक कमांड है इसकी शॉर्टकट की होती है फंक्शन की F7। जैसे ही मैं फंक्शन की F7 प्रेस करूंगा तो क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा स्पेलिंग एंड ग्रामर, वो हमें गलत स्पेलिंग बताएगा कि जिन स्पेलिंग्स को हमने गलत टाइप करा है। आप देख सकते हो कि नोट इन डिक्शनरी बॉक्स एक नज़र आ रहा है, उसके अंदर रेड में वर्ड बता रहा है डॉक्यूमेंट कि वर्ड गलत है, तो उसके लिए नीचे सुजेशन बॉक्स में वर्ड्स बता रहा है कि सही वर्ड कौन सा है। मान लो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट, उसके बाद आपने क्लिक करना है चेंज पे। जैसे चेंज पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट वर्ड पे आ जाएगा, अब वो कह रहा है कि विद की स्पेलिंग गलत है, नीचे सजेशन बॉक्स में विद आ रहा है चेंज। उसके बाद THWE, इसके अकॉर्डिंगली THWE वर्ड कोई नहीं है, सजेशन नीचे दी है, हम द ले लेते हैं चेंज। उसके बाद CHOOSE वर्ड दे रहा है, ये भी इसके अकॉर्डिंगली गलत है, तो सही वर्ड क्या है चूज, सजेशन बॉक्स में से मैंने चूज करा। उसके बाद चेंज वर्ड की स्पेलिंग गलत है, सही कौन सा सजेशन बॉक्स में, ये वाला। उसके बाद डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग गलत है, सही कौन सा है, फर्स्ट वाला चेंज। साथ साथ आपने चेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करते जाना है। अब गैलरी की स्पेलिंग गलत है, सही कौन से है सजेशन बॉक्स में, गैलरी चेंज। अब क्या गया, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट। मान लो कि अब इधर मैं अपना नाम लिखता हूं, मान लो मैं लिखता हूं यहां पे आके माय नेम इज ब्रिज, इस लाइन के नीचे भी वो अंडरलाइन बता रहा है कि वो गलत है। मैं दोबारा F7 करता हूं, उसे बताया कि इसके लिए स्पेलिंग BRIG BRIM ब्रिज, जबकि मेरा नाम का स्पेलिंग ब्रिज है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा एड टू डिक्शनरी करूंगा। इससे क्या बेनिफिट होगा कि जब नेक्स्ट टाइम मैं अपना नेम एंटर करूंगा तो उसके नीचे कोई भी गलती नहीं आएगी। अब करता हूँ ऐड टू डिक्शनरी, अब ये जो वर्ड है वो डिक्शनरी में ऐड हो गया। अब नेक्स्ट टाइम जब भी मैं अपने इस कंप्यूटर में ब्रिज टाइप करूंगा उसके नीचे एरर नहीं आएगा। ये हमारी फर्स्ट ट्रिक थी स्पेल चेक कमांड। स्पेल चेक का मतलब होता है कि अगर हमने किसी वर्ड के स्पेलिंग चेक करने हो। अब हम सेकेंड कमांड करते हैं, सेकेंड ट्रिक करते हैं अंडरलाइन वर्ड्स
ओनली नोट स्पेस। हम चाहते हैं कि हमने कुछ पैराग्राफ सेलेक्ट करा है, उसके वर्ड्स को अंडरलाइन करना है लेकिन स्पेस को नहीं करना। उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल यू, या यहां से मैं कर सकता हूं अंडरलाइन से। अब देख रहे हो कि जब मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, कंट्रोल यू कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है कि पूरे के पूरे वर्ड विद स्पेस अंडरलाइन हो रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि सिर्फ जो सिलेक्टेड वर्ड हैं वही अंडरलाइन हो, स्पेस अंडरलाइन ना हो। उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस W। इसको मैं हटा देता हूं फिलहाल, जो मैंने पहले करा था, कंट्रोल यू से हटा देता हूं। अब जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट और W करूंगा, आप देख सकते हो कि सिर्फ जो वर्ड्स हैं इसने उन्हीं को अंडरलाइन करा है, लेकिन जो बीच में स्पेस है उसको अंडरलाइन नहीं करा। तो हमारी सेकंड ट्रिक होगी अंडरलाइन वर्ड्स ओनली नोट स्पेस। कि अगर हम स्पेस को अंडरलाइन नहीं करना चाहते तो उस केस में हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और W। अब ट्रिक नंबर थ्री है मेरी, कमांड नंबर थ्री है गो टू। गो टू कमांड का मतलब होता है कि अगर हमने किसी दूसरे पेज पे जाना है। अभी इस डॉक्यूमेंट में मेरे पास चार पेज हैं, 1-4 लिखा है। अगर मैं फोर्थ पेज पे जाना चाहता हूं तो मैं नीचे नीचे स्क्रॉल करूंगा माउस को, तो नीचे नीचे जा रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि डायरेक्ट फोर्थ पेज पे जाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, फंक्शन की F5 प्रेस करूंगा। जैसे ही मैं फंक्शन की F5 प्रेस करूंगा तो एक फाइंड एंड प्लेस डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें गो टू टैब नजर आ रही है। हम जिस पेज पे जाना चाहते हैं, मैं लिखता हूं 4। जैसे ही गो टू करूंगा क्या होगा, मेरा जो कर्सर है वो फोर्थ पेज के शुरू में आ जाएगा। अगर मैं दोबारा फर्स्ट पेज पे जाना चाहता हूं, 1 लिखता हूं, तो गो टू 1 करूंगा तो 1 पेज पे आ जाएगा। इसी तरह किसी लाइन पे जाना है, उस लाइन का नंबर आप लिख सकते हो कि आपने कौन सी लाइन पे जाना है। मैं लिख देता हूं मैंने 50 नंबर लाइन पे जाना है। जैसे गो टू करूंगा वो 50 नंबर लाइन पे हमारा जो कर्सर है, डॉक्यूमेंट के जिस भी पेज पे होगा उस पे हमारा जो कर्सर है वो आ जाएगा। तो ये हमारी कमांड कौन सी हुई, गो टू। गो टू की एक शॉर्टकट की मैंने आपको पहले भी करवाई थी, वो कौन सी करवाई थी, कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल जी करेंगे उससे भी हम गो टू कमांड को रन कर सकते हैं। तो ये कौन सी कमांड होगी आपकी, गो टू कमांड। तो गो टू कमांड का काम क्या हुआ कि अगर हम किसी पर्टिकुलर पेज पे या लाइन पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल जी। अब ट्रिक नंबर 4 मेरी जो है उसको पहले मैं आपको चला के बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि जो क्या कर रहा है। मान लो लिखता हूं वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स। मान लो कि ये मैंने लिखा है। अब मैं क्या करता हूं, जो मेरी ट्रिक 4 है इसकी मैं आपको शॉर्टकट की बता देता हूं। मेरी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के। अब देखो कि मैंने जो लाइन लिखी है इस पे जाके कंट्रोल शिफ्ट के करता हूं, आप देख सकते हो कुछ चेंज हुआ, कुछ समझ आया। मैं फिर बताता हूं, अंडू कर देता हूं, कंट्रोल शिफ्ट के। कंट्रोल शिफ्ट के से हुआ क्या है कि हमारे सारे के सारे लेटर कैपिटल हो गए हैं, बट फर्क क्या है कि जो पहला लेटर है आप देख सकते हो वो सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, सारे कैपिटल हैं, लेकिन जो W की हाइट है आप देख सकते हो, वेलकम का W, टू आवर का O, YouTube का Y, चैनल का C, स्माइला का S, इसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा बड़ी नजर आ रही है। मतलब कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा सभी का कैपिटल, बट उसका जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा होगा बाकी लेटर्स के कंपैरेटिवली। कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा बट इट्स हाइट इज मोर
एज कंपेयर टू अदर लेटर्स। हैं सारे के सारे कैपिटल, लेकिन क्या करेगा कि पहला लेटर जो होगा उसकी हाइट जो है वो बाकी लेटर्स के कंपैरेटिवली बड़ी होगी। अब हमारी है ट्रिक नंबर फाइव। ट्रिक फाइव जो है ये हमारी शॉर्टकट की है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी विंडो में आज की जो करंट डेट है वो आ जाए, तो आप देख सकते हो डेट आ गई आज की जो भी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आर्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी। आर्ट शिफ्ट डी जैसे हम प्रेस करेंगे जो हमारी करंट डेट होगी वो स्क्रीन पे नजर आ जाएगी। ये अमेरिकन फॉर्मेट में शो कर रहा है। अमेरिकन फॉर्मेट में क्या होता है, पहले मंथ आता है, देन डे आता है, देन ईयर आता है। इसी तरह अगर आप चाहते हो कि मुझे करंट टाइम चाहिए तो मेरी ट्रिक नंबर सिक्स है। उसके लिए करेंगे ऑल्ट शिफ्ट और टी। जैसे ही ऑल्ट शिफ्ट और टी करेंगे आप देख सकते हो कि जो भी टाइम है वो रिव्यू स्क्रीन पे नजर आ जाएगा। यहां पे टाइम शो कर रहा है 11:42 PM। ऑल्ट शिफ्ट डी करेंगे तो उससे क्या होगा, डेट शो करेगा। ऑल्ट शिफ्ट टी करेंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारा करंट टाइम है वो नजर आ जाएगा। अब मैं यह चाहता हूं कि इस पैराग्राफ के बाद एक नया पेज एंटर हो जाए। आप देख सकते हो जैसे मैंने कोई शॉर्टकट की प्रेस की तो उससे क्या हुआ कि एक नया पेज इन हो गया। मान लो इस पैराग्राफ के बाद मैं चाहता हूं कि ये एक नए पेज पे एंटर आ जाए, मतलब कि इस पैराग्राफ के बाद एक नया पेज इन हो जाए। तो उसके लिए अब हम ट्रिक नंबर सेवन देखते हैं। मान लो मैं यहां पर कर्सर रख लेता हूं, ट्रिक नंबर सेवन। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं कीबोर्ड से की प्रेस करूंगा कंट्रोल प्लस एंटर। जिस पैराग्राफ के बाद आप एक नया पेज शुरू करना चाहते हो, नहीं तो मोस्टली होता क्या कि जैसे ही आपका टेक्स्ट खत्म होगा उसके बाद नया पेज शुरू होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस पैराग्राफ के बाद हम नए पेज पे चले जाएं। तो जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस एंटर करूंगा आप देख सकते हो कि जो मेरा टेक्स्ट था, जो पैराग्राफ था, वो नेक्स्ट पेज पे आ गया। तो ये आपकी कुछ शॉर्टकट की कौन सी हुई, कंट्रोल एंटर। तो कंट्रोल एंटर का काम क्या होगा कि नया पेज अगर आपने इंसर्ट करना है, अगर आप खाली जगह पे जाके भी कंट्रोल एंटर करते हो ना, जरूरी नहीं है कि डॉक्यूमेंट में, मान लो कि यहां पे आप आ गए हो, यहां पे हम सेवंथ पेज पे हैं, आप नीचे देख सकते हो। अब इस पेज पे भी जाके अगर मैं कंट्रोल एंटर करता हूं ना तो तब भी एक नया पेज इंसर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो 8 of 8। या अब इस टाइम कौन से पेज पे काम कर रहे हो, 8th पेज पे काम कर रहे हो। ट्रिक नंबर 8 शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो ऊपर आपको नजर आ रही है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, डिबगर, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं टैब्स या मेन्यूज। अगर मैं कीबोर्ड की मदद से इन टैब्स या मेन्यूज को एक्टिवेट करना चाहता हूं या ओपन करना चाहता हूं, तो उसके लिए जो मेरी नेक्स्ट ट्रिक है, ट्रिक नंबर 8, उसको बोलेंगे एक्टिवेट टैब्स और मेन्यूज। इसकी शॉर्टकट की है F10। जैसे ही मैं फंक्शन की F10 प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हो कि इनके साथ क्या नजर आ गया, फाइल पे F आ गया, होम पे H, न्यू पे N, पेज लेआउट पे P, रेफरेंसेस पे S, मेलिंग्स पे M, रिव्यू पे R, व्यू पे W और डेवलपर पे L। ये इसकी होटकीज होती हैं जिनको हम F10 से ओपन कर सकते हैं। अब मान लो कि इनमें से मैंने होम टैब को ओपन करना है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, कीबोर्ड से H की प्रेस करूंगा। जैसे ही मैंने H की प्रेस करी, अब होम टैब के अंदर जितनी भी कमांड्स हैं या जितने भी टूल्स हैं उनकी शॉर्टकट कीज आ गई हैं। मान लो कि मैं
जो हमारा टेक्स्ट है उसको जस्टिफाई अलाइनमेंट करना चाहता हूं, तो जस्टिफाई अलाइनमेंट के लिए क्या है, ए जे। जैसे मैं ए जे प्रेस करूंगा तो ये जस्टिफाई में आ जाएगा। फिर से बताता हूं, मान लो कि मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने करना है F10 की प्रेस। जैसे F10 की प्रेस करी ऑप्शंस आ गए हैं। अब दोबारा मैं H प्रेस करता हूं, जैसे ही H प्रेस करूंगा होम की इनेबल होगी। अब मान लो कि मैंने लाइन स्पेसिंग सेट करनी है, तो लाइन स्पेसिंग के ऊपर क्या नजर आ रहा है, लाइन स्पेसिंग पे K नजर आ रहा है। मैं जैसे ही K प्रेस किया डाउन एरो की से हेल्प से, अब देखो नीचे जो लाइन स्पेसिंग है वो बढ़ती जा रही है। जैसे मैं एंटर की प्रेस करूंगा वो जो कमांड होगी वो अप्लाई हो जाएगी। मान लो दोबारा मैं करता हूं फंक्शन की प्रेस F10, H प्रेस करता हूं। अब इसमें क्या है कि 1 प्रेस करता हूं तो बोल्ड होगा, मान लो 1 प्रेस करता हूं बोल्ड से हट गया क्योंकि पहले वो ऑलरेडी ही बोल्ड था। फिर मैं फंक्शन की F10 प्रेस करता हूं, H प्रेस करता हूं। अब मैं चाहता हूं कि जो मेरा टेक्स्ट है इसको अंडरलाइन करना है, तो अंडरलाइन पे क्या लिखा है 3। अगर अंडरलाइन करना है तो क्या प्रेस किया 3, तो उसके लिए अंडरलाइन का ऑप्शन आ जाएगा। उसको मैं डाउन एरो की हेल्प से जैसी अंडरलाइन मेरे को चाहिए वो मैं कर सकता हूं। तो ये आपकी क्या हुई F10 की, जिससे हम क्या कर सकते हैं किसी भी मेन्यू को एक्टिवेट कर सकते हैं। हमारी ट्रिक नंबर 9 है कि अगर हम अपनी फाइल को किसी नए नाम से सेव करना चाहें, जैसे इस फाइल का नाम क्या है डम्मी, अगर इस फाइल की मैं एक और कॉपी क्रिएट करना चाहता हूं तो उसके लिए जो मैं कमांड यूज करूंगा वो होती है सेव एज कमांड। सेव एज कमांड कैसे चलती है, फाइल मेन्यू पे क्लिक करके सेव एज पे जाकर, उसके बाद जो भी फाइल का नाम दूंगा सेव पे क्लिक करूंगा, उस नाम पे फाइल की एक नई कॉपी बन जाएगी। ये तो हो गया माउस की हेल्प से। अगर मैं कीबोर्ड की मदद से फाइल को सेव एज करना चाहता हूँ, उसकी एक नई कॉपी बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सेव एज कमांड यूज करूंगा। सेव एज कमांड की जो शॉर्टकट की है वो होती है F12 फंक्शन की। जो F12 फंक्शन की है, जो फंक्शन कीज में सबसे लास्ट वाली की होती है, जैसे मैं F12 की प्रेस करूंगा तो एक सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जहां पे फाइल का नाम डमी लिखा आ रहा है जो ऑलरेडी बना हुआ है। इसको मैं नया नाम देना चाहता हूं, मान लो मैं फाइल को नाम दे देता हूं स्माइला। अब इस पे जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, डमी नाम की फाइल की एक नई कॉपी तैयार होगी, उसका क्या नाम बन गया स्माइला। मतलब कि अब मेरे पास एक ही फाइल की दो कॉपीज हैं। आप नीचे डमी फाइल देख रहे हो, दोनों में अब सेम कंटेंट है। मतलब डमी फाइल में जो कंटेंट है वही कंटेंट किसमें आ गए, जो हमारी स्माइला नाम की फाइल है। तो ये हमारी कौन सी ट्रिक होगी, ये हमारी ट्रिक होगी हाउ टू सेव कॉपी ऑफ ए फाइल। अगर फाइल की कॉपी सेव करना चाहते हो तो उसके लिए आप कौन सी कमांड यूज करोगे, उसके लिए हम कमांड यूज करेंगे सेव एज। हमारी ट्रिक नंबर 10 है सिंबल्स। सिंबल्स का मतलब है कि जैसे हमारे कीबोर्ड पे अल्फाबेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं और कुछ स्पेशल करेक्टर्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जो कीबोर्ड पे अवेलेबल नहीं होते। आज अब मैं आपको उन शॉर्टकट सिंबल्स के बारे में बताऊंगा कि उन सिंबल्स को हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। और कुछ ऐसे सिंबल हैं कि मुझे मान लो कॉपीराइट का सिंबल चाहिए, रजिस्टर्ड मार्क का सिंबल चाहिए, ट्रेडमार्क का चाहिए, स्माइली चाहिए, सैड चाहिए, हैप्पी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। मान लो कि मुझे कॉपीराइट का सिंबल चाहिए तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ब्रैकेट लूँगा, उसके बाद सी प्रेस करूँगा, फिर ब्रैकेट बंद करूँगा। जैसे मैं ब्रैकेट बंद करूँगा तो आप देख सकते हो कि क्या हुआ, कॉपीराइट का सिंबल है वो आपके सामने आ जाएगा। इसी तरह अगर आपको रजिस्टर्ड का सिंबल चाहिए तो पहले ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट के अंदर आर, फिर ब्रैकेट बंद। जैसे ही आप ब्रैकेट बंद करोगे तो क्या होगा, जो रजिस्टर्ड का सिंबल है वो भी आ जाएगा। इसी तरह ट्रेडमार्क का सिंबल चाहिए तो क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट जैसे, उसके बाद टी, फिर एम। टी एम जैसे ही लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे तो ट्रेडमार्क का सिंबल भी आ जाएगा। अब हमें मान लो सैड स्माइली चाहिए, तो सैड स्माइली के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोलन, कोलन के बाद लेफ्ट ब्रैकेट।
जैसे ही लेफ्ट ब्रैकेट लिखेंगे तो क्या होगा, सैड स्माइली बन जाएगा। अगर हमें हैप्पी वाली स्माइली चाहिए तो उसी तरह पहले कोलन उसके बाद ब्रैकेट क्लोज वाली, तो उसके लिए हैप्पी वाली स्माइली बन जाएगी। ये थे हमारे सिंपल। अगर आपकी इस वीडियो के बारे में कोई भी क्वेरी या सुजेशन है तो कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स, धन्यवाद।